क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए जीनियस की कैटेगरी में आया हो, या किसी ने कुछ ऐसा क्रिएट किया हो जिसको देखकर, सुनकर, महसूस करके किसी और ही दुनिया का एहसास किसी को हो जाए। इसलिए अगर देखा जाए तो इस दुनिया की हर कीमती चीज का रास्ता ब्रह्मचर्य से होकर ही गुजरता है, चाहे वे किसी की कमाल की क्रिएटिविटी हो या किसी का कोई जबरदस्त टैलेंट। इसलिए आज जानेंगे कि अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको कौन कौन से बड़े फायदे होते हैं और हकीकत में ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है। इसलिए अब अगर सबसे पहले ब्रह्मचर्य के असली मतलब की ही बात करें तो इसका मतलब बहुत ही वास्ट होता है, जिसका एक सबसे कीमती मतलब तो इसके इसी शब्द से बिल्कुल क्लियर ही झलकता है, जिसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म या भगवान के जैसी चर्या या आचरण। इसलिए अब अगर ब्रह्म की चर्या या आचरण की बात करें तो ब्रह्म या गॉड का एक ही आचरण होता है और वो है प्योर लव, या आप इसमें उन सारी अच्छाइयों को भी शामिल कर सकते हैं जिसको भी पूरी दुनिया या धर्म अच्छा बताते हैं, चाहे उसमें सच बोलना हो, दूसरों की मदद करना हो, या सबके लिए कुछ अच्छा सोचना हो, या सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखना हो। जैसा कि आप इसको तब सही से फील कर सकते हो, माना कि इस दुनिया के हर जीव या हर इंसान का जन्म आपके ही ब्लड और डीएनए का यूज करके किया गया है, जिसके कारण हर जीव और इंसान में आपका ही अंश मौजूद है। तभी तो जो भी आपको अच्छा लगता है वही किसी दूसरे को भी अच्छा लगता है, और जो आपको बुरा लगता है वह दूसरे को भी बुरा ही लग सकता है। इसलिए तो जैसे ही कोई लव में पड़ता है तो वह ब्रह्मचर्य को बड़े ही आसानी से पा जाता है, और चाहे वह लव उसका खुद के प्रति हो या किसी दूसरे इंसानों के प्रति हो या अपने गॉड के प्रति। लेकिन ब्रह्मचर्य को पाने के लिए आपका काम केवल दो चार या अपने ही लोगों के प्रति लव में पड़ने से नहीं चलेगा, क्योंकि आपका लव जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों और जीवों के लिए होगा आपका ब्रह्मचर्य भी उतना ही बड़ा और ताकतवर होगा। लेकिन अब हो सकता है कि कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि यह लव ही तो ब्रह्मचर्य के टूटने का भी साधन बनता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब किसी को लव होता है तो वह उन सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है जिनसे कि ब्रह्मचर्य टूट जाए। हाँ, वह बात दूसरी है कि जिस लव का आधार ही लस्ट होती है उसके साथ तो ऐसा हो ही सकता है। इसलिए अब अगर ब्रह्मचर्य के दूसरे बड़े और हिडन मतलब की बात करें तो ये ब्रह्मचर्य एक ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जिसमें कोई इंसान अपने ही अंदर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कहे या इड़ा और पिंगला नाड़ी का मिलन होने पर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की प्रक्रिया कहे, या यिन यांग का आपस में मिलान कराने का नाम ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। क्योंकि जैसे इस ब्रह्मचर्य की बदौलत किसी का अपनी ही एनर्जी के साथ मिलन पूरा हो जाता है तो उसको आज तक के जितने भी सुख किसी भी क्षण कहीं भी मिले हो वह वैसा ही इंजॉय 24/7 भी महसूस कर सकता है। और यही वह सबसे बड़ा कारण भी होता है कि जो भी इंसान जितना ज्यादा समझदार होगा वह एक नहीं कई बार इस ब्रह्मचर्य के प्रति आकर्षित जरूर हो जाता है, क्योंकि उसको एक सवाल हमेशा ही परेशान करता रहता है कि ऐसे ऐसे लोग ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहते हैं जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजे ले सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि समझदार लोगों को 2-4 सेकंड का एंजॉय नहीं चाहिए होता है, उनको तो 24/7 क्या पूरी लाइफ के लिए ही हर टाइम एंजॉय चाहिए होता है। इसलिए वे इस ओर आते हैं और ब्रह्मचर्य को सही से फॉलो करने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन यह भी इस प्रकृति का ही नियम है कि कहने के लिए तो इस दुनिया में सब कुछ हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है, ऐसा लगता तो है, लेकिन यह प्रकृति फ्री देती किसी को कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई यंग होता है तो उसकी एनर्जी केवल और केवल नीचे की ओर ही बहना जानती है, लेकिन उसको ऊपर की ओर बहाना पड़ता है। और यही ब्रह्मचर्य का सबसे टफ पार्ट होता है, क्योंकि एक तरफ यह प्रकृति इंसान की एनर्जी को नीचे की तरफ बहाकर रिलीज कराना चाहती है तो दूसरी तरफ इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करके उसको ऊपर की ओर बहाना चाहता है और अपने को सोर्स से जोड़ लेना चाहता है जहाँ पर इस दुनिया का सारा कीमती ज्ञान और चीजों का खजाना छिपा है, और उसी तक जाने अनजाने पहुँचने पर ही कोई असली जीनियस पैदा होता है। इसलिए अब अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने के कुछ बड़े फायदों की बात करें तो अगर आप भी इस दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को खुद ही इसी लाइफ में दिल से महसूस करना चाहते हो और आप भी जानना चाहते हैं कि ये दुनिया जैसी भी है मगर ऐसी क्यों है और कौन कौन से कीमती रूल इस प्रकृति में काम करते हैं और हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं और कब इन नियमों को सही से यूज किया जा सकता है, तो आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। क्योंकि जैसे ही कोई ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करता है तो उसकी ये एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने लगती है और वह इंसान अपने दिमाग के 3D की दुनिया से आगे निकल जाता है और फिर वह बहुत कुछ ऐसा महसूस करने लगता है जिसको अगर आपको अभी बता भी दिया जाए
तो आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अब अगर ब्रह्मचर्य के दूसरे बड़े फायदे की बात करें, तो अगर आप भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आप आखिरकार हो कौन और आपकी क्या कमजोरियां और क्या खासियतें हैं और कैसे आप अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी खासियत बना सकते हो, तो आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि आज आपकी जो भी कमजोरी होगी आपके लिए उसी में ऐसा कुछ छिपा होता है जिसको अगर आपने समय रहते पहचान लिया तो वही आपकी कमजोरी आपको वह सब दिला सकती है जिसकी आप कल्पना करते हो। क्योंकि इस प्रकृति के नियम थोड़े से उल्टे तरीके से ही काम करते हैं, जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो माना आप अगर बहुत सा पैसा कमाना चाहते हैं मगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो और आपकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है और आप हर तरफ से निराश ही हो रहे हो, तो आप जानते हो कि यह प्रकृति आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि यह आपका ध्यान सभी दूसरी बाहरी चीजों से हटाकर आपके अंदर ले जाना चाहती है, जहाँ से आपके सारे रास्ते और तरीके निकलेंगे, जिसकी मदद से आप वह सब कर पाओगे जो भी आप करना चाहते हो, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। इसलिए जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपको बहुत कुछ खुद पे खुद ही पता चलने लगता है। इसलिए यह हमेशा याद रखना, जो भी आपकी कमजोरी होगी और अगर आपका दिल भी उसी पर अटका है, तो समझ जाना कि आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी वहीं पर छिपी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने पर आपको खुद पता चल ही जाएगी। इसलिए अब अगर ब्रह्मचर्य के अगले बड़े फायदों की बात करें, तो जब भी किसी इंसान का ब्रह्मचर्य सही से फलित होने लगता है तो उसके दिमाग की सारी फैकल्टीज को एक्टिवेट कर दिया जाता है, या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि ऐसा इंसान अपने दिमाग का मैक्सिमम यूज करने लगता है। क्योंकि जब किसी के ब्रेन की सारी सेल्स एक्टिवेट होने लगती है तो उसके बाद उसकी मेमोरी, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिनकी मदद से ऐसे इंसान की सोल ही पावर में आ जाती है और बहुत कुछ ऐसे इंसान से क्रिएट करवाने लगती है, जिसका फायदा ऐसे इंसान को तो होता ही है, साथ ही सभी दूसरों को भी होता है। और अब अगर ब्रह्मचर्य के अगले फायदे की बात करें, तो ऐसे इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी का संचार होने लगता है, जिसके बेस पर ही ऐसे इंसान के सारे चक्र इनफ मात्रा में एनर्जी पाने के कारण ही पूरी तरह से ओपन और बैलेंस होने लगते हैं, और साथ ही ऐसा इंसान पूरी तरह से निरोगी हो जाता है। और इस टाइम ऐसे इंसान की सोच भी पूरी तरह से पॉजिटिव होने लगती है, क्योंकि उसको अपने विचार और फीलिंग्स पर भी पैनी नजर रखना बहुत ही सही से आने लगता है, क्योंकि इस टाइम इंसान का फोकस बहुत ही ज्यादा शार्प होने लगता है। इसलिए अब अगर ब्रह्मचर्य के अगले बड़े फायदे की बात करें, तो जब भी कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करने में सही से कामयाब हो जाता है तो उसकी थर्ड आई पूरी तरह से एक्टिवेट होने लगती है और उसकी इंट्यूशन पावर और विल पावर भी पूरी तरह से सही से काम करने लगती है, जिनकी मदद से ऐसा इंसान अपनी लाइफ में बहुत ही सही और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हमेशा ही कामयाब होने लगता है। क्योंकि इस टाइम ऐसे इंसान का दिमाग उसको परेशान करना छोड़ देता है। और अब अगर अगले फायदे की बात करें, तो जब भी कोई इंसान ब्रह्मचर्य का सही से पालन करने लगता है तो उसके चारों ओर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, और ऐसा इंसान उन लोगों के लिए तो मेडिसिन का काम करने लगता है जो अपनी एनर्जी और माइंड का सही से यूज करना नहीं जानते हैं या अपनी नेगेटिव सोच विचार के कारण ही खुद ही परेशान होते रहते हैं। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो एक अच्छी और समझदारी भरी लाइफ को जीने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना इंसान की जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी है। क्योंकि इसके अनगिनत फायदे किसी इंसान को होते हैं, लेकिन एक आधा अधूरा सच ही लोगों को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने देता है, जिसको बहुत से लोग सीमेन रिटेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जानेंगे इस सीमेन रिटेंशन के पूरे सच के बारे में, जो आपको आज तक आधा अधूरा ही बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।